सावन की शिवरात्रि है 2 अगस्त की। कितने तारीख की? 2 अगस्त। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, देश और विदेश में लोग ऑनलाइन पूजन करते हैं। उस दिन शिव भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। तो 2 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपने मन चाह वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी, 108 चावल के दाने, आखे मतलब से गे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमीपत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ, 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध दही घी शक्कर इत्र गंगाजल चंदन, 3 गोल सुपारी पूजन वाली सुपारी, रोली मोली अभीर, मोली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर गुलाल, पीला चंदन चावल पूजन के लिए, कपूर 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के, 2 जनेऊ 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के, लौंग इलायची पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें, जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हों, जो पंडित जी हों, जो आपके आते रहते हों और जो ब्राह्मण हों, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा दें या उससे 1 घंटे पहले करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांछित फल देवदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हो उनको बुला लें, अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे और आप और हम पूजन करेंगे और उसका लाइव आप और हम साथ में, साथ में मतलब ऑनलाइन मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण,
सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिएगा। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना है, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूर। दो दिन तक, तीन दिन तक मिट्टी रखी हुई है, और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं, जल का छींटा अवश्य। फिर उसको रख दें, 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ, शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है, और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है, और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में, सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाए, क्या रखना है, एक बेलपत्र, शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए, स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता, स्वयं विदेश, आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर, उसको जान ही नहीं पा। बस एक बेलपत्र, साधारण भाव में बेलपत्र भी सीधा भाव, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत, जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना, सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना, बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण, फिर जलाधारी।